टोकियो ओलंपिक्स रे भारत को सफलता देइछंती बैडमिंटन तारका पीवी सिंधु। सिंधु बैडमिंटन रे ब्रोंज पदक विजयी होइछंती। तबे सिंधु को ही सफलता परे सोशल मीडिया रे एक रोचक खबर सेंसेशन पलटिछि। खबरटी हेउछि कोन एबे प्रधानमंत्री पीवी सिंधु को सह आइसक्रीम खाइबे। तबे काहे कि सिंधु को सफलता परे एही रोचक खबर सामना को आसिला। तबे आसंतु नजर पकाइबा पूरा घटना उपरे। टोकियो ओलंपिक्स जीवा पूर्वरु प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सबु खेलाळींक सह आलोचना करथिले। पीवी सिंधुंक सह कथा हेबा समयरे से सिंधुंक एक प्रतिश्रुति देथिले आउ कहिथिले टोकियोरु सफल होई फेरिले मु तुम सह बसी आइसक्रीम खाइबी। तबे मोदीक एभळी कहिबा पछरे मध्य एक रोचक घटना लुचि रहिछि। 2016 रियो ओलंपिक्स कथा जेतेबेळे पीवी सिंधु बैडमिंटन रे रियो ओलंपिक्स पई चयन होइथिले सही समय रे सिंधुंक कोच पुलेला गोपीचांद तांको मोबाइल छड़ाई नेथिले आउ तांको आइसक्रीम खाइबा उपरे रोक लगाइथिले। तबे एही घटना को मध्य प्रधानमंत्री सिंधुंक सह मजाळिया भावे आलोचना करथिले आउ कोन कहिथिले सुनंतु। मुझे याद आता है कि गोपीचंद जी ने एक इंटरव्यू में कहा था कि उन्होंने रियो ओलंपिक के पहले आपका फोन ले लिया था, आपको आइसक्रीम भी खाना अलाउ नहीं किया था। क्या अभी भी आपके आइसक्रीम खाने पर पाबंदी लगी हुई है या कुछ छूट मिली है? सर ऑब्वियसली थोड़ा कंट्रोल करती हूँ सर, क्योंकि एक एथलीट के लिए डाइट बहुत इम्पोर्टेंट है और अभी ओलंपिक्स है तो तैयारी कर रही हूँ, तो ऑब्वियसली थोड़ा डाइट कंट्रोल तो करूंगी, तो आइसक्रीम उतना नहीं खाती हूँ सर, बस कभी कभी खाती हूँ। सिंधु जी, आपके माता पिता ने आपको विश्व चैंपियन बनाने के लिए बहुत त्याग किए हैं, उन्होंने अपना काम कर दिया है, अब आपकी बारी है। आप खूब मेहनत कीजिए और मुझे विश्वास है कि इस बार भी आप जरूर सफल होगी, और इधर सफलता के बाद मेरा मिलना होता ही आप लोगों से, तो मैं भी आपके साथ आइसक्रीम खाऊंगा। वर्तमान टोकियो रे सिंधु सफलता पाइबा परे सोशल मीडिया रे एही घटना को नेई जोरदार चर्चा आरंभ होईछि। आउ पदक जेतिबा परे सिंधु मध्य प्रधानमंत्री को कथा को मने पकाई तांको सह एबे आइसक्रीम खाई परियो बोली कहिछंती। टोकियो ओलंपिक्स रे स्वर्ण पदक दौड़रु बात पड़ीबा परे देश पई ब्रोंज पदक जितिबारे सफल होईछंती पीवी सिंधु। तबे लगातार बैडमिंटन रे द्वितीय थोर पई पदक जितिबारे पीवी सिंधु होईछंती प्रथम महिला। ब्यूरो रिपोर्ट, कनक न्यूज़।